चलिए इंडेक्स मैक्स फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो एक डेटा बना लेना है, ठीक है। जैसा कि हमने कुछ इस प्रकार से डेटा बना रखा है, अब हम क्या करने वाले हैं कि इस डेटा को मैं पहले कहीं कॉपी करके एक अलग शीट पे ले लेता हूँ। हालांकि ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, मैंने अलग रख लिया। ओके, अब यहाँ पे इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है इंडेक्स मैच नाम का फंक्शन। अगर आपने वी लुकअप फंक्शन पढ़ा है तो वी लुकअप फंक्शन में जैसा कि हमने देख रखा है क्या काम करता है, अगर हमें कोई भी डेटा खोज के कहीं पे दिखाना होता है ना, तो ऐसे में हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, वी लुकअप, जो डेटा ढूंढ के निकाल के हमारे सामने रख देता है। वैसा ही काम कुछ आपका वी लुकअप फंक्शन भी करेगा, बट थोड़ा सा दोनों में अंतर है। और एक तरीके से देखा जाए तो इंडेक्स मैच जो फंक्शन है वो वी लुकअप से थोड़ा कहीं कहीं ज़्यादा कुछ मामलों में ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसको लगाने का तरीका क्या होगा कि आपका ये जो हेडर होगा, ठीक है, मतलब जो आपने डेटा का बना रखा है फील्ड, इस पूरे को कॉपी कर लेना है और जहाँ पे भी आपको डेटा को देखना है वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब आपको इंडेक्स मैच नाम का फंक्शन लगाना है। पहले सबसे पहले हम ये समझ लें कि इंडेक्स क्या काम करता है, मैच क्या काम करता है, और फिर समझते हैं कि इंडेक्स मैच अगर दोनों एक साथ रख लिया जाए तो दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इंडेक्स फंक्शन क्या काम करता है। मैं यहाँ कहीं निकाल देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंक्शन को हम समझ लेते हैं। तो इक्वल टू इंडेक्स नाम का हमने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये एरे बताओ। देखो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, काम क्या करेगा। जैसे ये मान लीजिए कि प्रोडक्ट की लिस्ट बनी पड़ी है। अब ऐसे ही बहुत लंबी चौड़ी अगर लिस्ट है, आपसे कहा जाए कि चौथे नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है या पांचवें नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है, मतलब हम रो नंबर बोलेंगे और उस रो नंबर में कौन सी वैल्यू रखी गई है वो वैल्यू हमारे सामने आ जानी चाहिए। तो ऐसे में हम इंडेक्स नाम का फंक्शन लगा रहे हैं। हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन, पूछा एरे। एरे जब भी पूछेगा तो आप क्या करोगे, आप रेंज दोगे जहाँ पे वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। अच्छा, बल्कि मैं यहाँ से है दूंगा, यहाँ से ऊपर वाला नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इसमें ढूंढनी है, कॉमा। फिर क्या पूछा, रो नंबर। आप रो नंबर यहीं पे जाओ तो पास कर दो, 4 5 6, नहीं तो अपना कोई एक सेल दे सकते हो जिसके अंदर आप रो नंबर लिखोगे, ठीक है। तो मैंने यही डाल दिया 4 और ब्रैकेट क्लोज करके। अगर मैं एंटर बटन प्रेस करूं तो चौथे पे कौन है, यहाँ से यहाँ तक मैं माउस से माउस दिख गया। अब या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैं ना लिख करके मैं ये सामने वाली रेंज दे दूँ, एंटर कर दूँ। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 तो तीसरे नंबर का दिखाएगा, 2 लिखूंगा तो दूसरे नंबर का दिखाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारा इंडेक्स तो हो गया, मैच फंक्शन क्या काम करता है। तो जैसे इंडेक्स रो नंबर से वैल्यू निकाल रहा है, मैच उसका उल्टा काम करेगा। हम वैल्यू बताएंगे कि भैया कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, और ये बताएगा कि ठीक है जो आप बता रहे हो वो प्रोडक्ट, वो मैं बता दूंगा कि कितने नंबर रो पे है, उसका उल्टा। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे लगा देंगे मैच नाम का फंक्शन, ठीक है। मैच नाम का फंक्शन क्या पूछा इसने, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में क्या करना है आपको, ये या पे, या तो ऐसा कर लो जो भी प्रोडक्ट खोजना है उसको डबल इन्वर्टर कॉमा में यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सीपीयू खोजना सीपीयू लिख दो, या दूसरी चीज जैसे यहाँ हमने एक लुकअप वैल्यू क्रिएट किया वैसे ही यहाँ पे भी कर लेते हैं, कॉमा। पूछा लुकअप एरे, यानी एरे जब भी शब्द आएगा तो आप जान लो कि वो रेंज देनी है जहां पे वो सब कुछ शामिल है, लिखा गया है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, कॉमा। पूछा मैच टाइप, तो अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप हमेशा 0 पास करें, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल, अभी हमने कुछ दिया नहीं इसको तो ये खोज नहीं रहा। जैसे मैं कुछ वैल्यू दूंगा एंटर करूंगा तो बता दिया सीपीयू कितने नंबर पे है, फर्स्ट पे है, माउस कितने नंबर पे है, 4 पे है, समझ गए। तो ये दो फंक्शन समझ में आया आपको कि इंडेक्स क्या काम करता है, मैच क्या काम करता है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर इन दोनों को हम एक साथ लगा दें, इंडेक्स और मैच को एक साथ, तब ये वी लुकअप जैसे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वी लुकअप के जैसा। अब वी लुकअप के जैसा मतलब किस तरीके से काम करेगा ये समझो।
जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे इस जगह पे मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखूंगा और प्रोडक्ट लिखने के बाद इस जगह पे मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ इस जगह में इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, अरे बटन दब गई, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ किसके नीचे लगा रहे हैं, कंपनी के नीचे। तो कंपनी की ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक की, वो इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया, ठीक है, कॉमा। अब यहीं पे रो नंबर वगैरह नहीं देना है आपको, अब सीधा आपको मैच नाम का फंक्शन लगा देना है, मैच नाम का, दोनों को मिक्स कर दिया, इंडेक्स को दिया फिर मैच दिया। मैच में क्या पूछा इसने, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, लुकअप एरे यानी जो प्रोडक्ट टाइप करोगे प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलने वाला है, कॉमा। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरो पास कर देना है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज दो बार होगा क्योंकि एक बार यहाँ पे भी ओपन है तो दो बार ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर पास करेंगे। यहाँ पास करते हैं सीपीयू एंड एंटर करते हैं, तो देखो सीपीयू की कंपनी निकल के आ गई, समझ गए, ऐसा ही कुछ वी लुकअप भी काम कर रहा था। अब यहाँ पे भी आपको वही सेम फंक्शन लगाते चले जाना है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अच्छा, अगर हम एक ही बार में लगाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, फिर से लगाता हूँ इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ एरे पूछेगा तो एरे में मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया। अब ध्यान से समझना, जब मैं कंपनी के नीचे लगा रहा हूँगा तो इसका एरे ये है, जब ये फंक्शन मैं पकड़ के खींचूंगा यहाँ पे आएगा तो ये जो रेंज होगी वो यहाँ से हट करके ये वाली हो जानी चाहिए, इसलिए मैं इसको ऐसे रेंज देने के बाद छोड़ रहा हूँ, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे रो नंबर पास करूंगा, सॉरी रो नंबर मैं कह रहा, मैं यहाँ पे मैच फंक्शन पास करूंगा, मैच। मैच फंक्शन में क्या बोला, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू हमेशा मेरी यही रहेगी, ये रहेगी, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं लुकअप वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लॉक कर देता हूँ, F4 बटन से इसको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। लॉक क्यों करते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जब फंक्शन मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए हम इसको लॉक करते हैं, ठीक है, F4 बटन से। फिर कॉमा लगा देंगे, क्या पूछेगा हमसे, लुकअप एरे। लुकअप एरे ये है, सेलेक्ट किया, वापस F4 बटन से लॉक कर दिया, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। देखो इंडेक्स वाली रेंज को हमने अनलॉक कर रखा है, ठीक है, बाकी लॉक है, एंटर कर रहे हैं। अब इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ तक खींच रहे हैं तो देखो पूरी डिटेल निकल के आ गई आराम से, हमें बार बार नहीं लगाना पड़ा। अब अगर हम यहाँ पे माउस टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो ये पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। अब अगर आप देखोगे कि इसमें और वी लुकअप में क्या अंतर है, जैसे कि मैंने कहा कि ये वी लुकअप सिर्फ पावरफुल फंक्शन है, अब अगर आपको वी लुकअप आता है तो वी लुकअप भी ऐसे ही अप्लाई होता है, आप करके देख चुके हैं पहले, है ना। अगर मैं दिखाऊं कि अंतर क्या है, मान लो कि आपने यहाँ इंडेक्स मैच से निकाला ये चीज और यही नीचे आप वी लुकअप से भी निकालिए, अब अंतर देखने के लिए एक काम करेंगे हम यहाँ पे ना, यहाँ कहीं पे भी बीच में एक कॉलम इंसर्ट कराएंगे। तो मैं कंट्रोल के साथ में स्पेस बार बटन दबाऊंगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, फिर कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबा दूंगा तो एक कॉलम आ जाएगा, कॉलम आ गया। अब यहाँ पे देखो एक कॉलम आ चुका है, जब आप वी लुकअप भी लगाए रहेंगे तो वी लुकअप फंक्शन में यहाँ एरर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ इंडेक्स मैच में कहीं एरर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, इंडेक्स मैच की यही एक खूबी है सबसे बड़ी। ये फंक्शन अगर आपने लगा लिया तो आप चाहे जो मर्जी कॉलम डिलीट कर दो या जितने मर्जी कॉलम इंसर्ट करा लो, फंक्शन के ऊपर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वी लुकअप में ये दिक्कत है कि अगर आपने ये डेटा वी लुकअप से निकाला है तो वी लुकअप से निकाले जो डेटा निकला निकलता है, अगर आपने मेन डेटा में कहीं पे भी रो या कॉलम को डिलीट किया या रो एंड कॉलम को इंसर्ट कराया तो आपका ये जो डेटा होगा ना वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगी। तो ये अंतर होता है, आप दोनों फंक्शन को ट्राई करिए, कहीं कहीं वी लुकअप का ही यूज पड़ता है तो वही लगाना पड़ेगा आपको, कहीं कहीं आपको इंडेक्स मैच, ठीक है। दोनों समझ में आ गया फंक्शन वी लुकअप में और इसमें क्या अंतर है।
और इंडेक्स मैच वी लुकअप आप पहले पढ़ चुके हैं, तो अब आप इसको करिए, बढ़िया से जाइए है ना, इसको प्रैक्टिस करिए,